हमारा जर्नी टू बी कंटिन्यूड फॉर द नेक्स्ट डे। हम कहाँ जा रहे हैं देखते हैं। और अभी हम लोग शुरुआत कर रहे हैं टॉल गेट के जस्ट आगे से, और आप लोग चेकआउट कर सकते हैं कुहासा। वाओ, देखिए फॉग, इधर का जो वो माहौल है वो आपको देखने में समझ में आ रहा होगा, और आप गेस कर सकते हैं कि हम लोग किस ओर जा रहे हैं। तो कमेंट में जरूर बताएं अपना गेस कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं। तो गाइस देखिए कितना खतरनाक फॉग अभी हो रहा है यहाँ पे, और गाड़ी चलाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो रहा है। कैसे कैसे करके चला रहे हैं आप देख सकते हैं, कुछ भी नहीं दिख रहा है। तो गाइस बस चेकआउट कीजिए, हम लोग अपने मंजिल के जैसे से करीब जा रहे हैं। मौसम देख सकते हैं कुछ नहीं, और फेस पे जो है ना पूरा फॉग आके लग रहा है, और कुहासा का जो बूंद होता है ना टाइनी ड्रॉपलेट्स, वो पूरा फेस पे हर जगह है। मतलब बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीम ठंड है यहाँ पे, देख सकते हैं कुछ नहीं दिख रहा है। तो फिलहाल अभी हम लोग रुके हुए हैं इसी जगह पे हाईवे पे, और हाथ पैर थोड़ा स्ट्रेच कर रहे हैं क्योंकि लगातार 50 किलोमीटर अभी हम लोग गाड़ी चला चुके हैं। तो फिलहाल अभी यहाँ से निकलते हैं, और फिर हम लोग देखते हैं कि नेक्स्ट कहाँ पे हम लोग रुकेंगे। तो गाइज फाइनली हम लोग सिलीगुड़ी पहुँच चुके हैं, और अभी फिलहाल हम लोग यहाँ पे कोई होटल वगैरह देख रहे हैं, कुछ देर आराम कर लें क्योंकि बहुत लंबी ड्राइविंग हो चुकी है। उसके बाद फिर सुबह सुबह हम लोग फिर यहाँ से निकलेंगे अपने डेस्टिनेशन के लिए, क्योंकि सिलीगुड़ी हम लोग का डेस्टिनेशन नहीं है। तो वो सरप्राइज़ है कि एक्चुअल में डेस्टिनेशन हम लोग का कौन सा है। तो फिलहाल अभी सिलीगुड़ी पहुँच चुके हैं, और देख सकते हैं क्रिसमस के लिए और न्यू ईयर के लिए कितना सुंदर सजा के रखे हुए हैं सिलीगुड़ी। हम लोग और आगे बढ़ते जा रहे हैं, और सिलीगुड़ी से हम लोग आगे निकल चुके हैं अपने डेस्टिनेशन की तरफ। बट रास्ते में हम लोग को एक बहुत ही खूबसूरत जगह दिखाई दिया है, तो हम लोगों ने सोचा क्यों ना यहाँ रुक के आपको भी इस अच्छी सी जगह का आनंद दिया जाए, ताकि आप लोग भी एंजॉय करो हमारे ब्लॉग को। तो फिलहाल हम लोग एक जगह पे रुके हैं, और आपको यहाँ पे हम दिखाते हैं कि ये कितना खूबसूरत नजारा है। और देखिए यहाँ पे काफी ठंडी हो रही है, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत ठंडी ठंडी हवाएं चल रही है। तो फिलहाल आपको हम दिखाते हैं कि ये कैसी जगह है। इसका कोई नाम नहीं है क्योंकि एक रैंडम जगह पे हम लोग रुके हुए हैं, और क्योंकि ये बहुत खूबसूरत दिख रहा था इसलिए हम लोग रुके हैं, और अभी आपको दिखाते हैं कि इसका नजारा कितना खूबसूरत है। It's kind of funny that the more we pass time, the more we need to set them rewind. And 19 was the year I had to leave you, but now I'm seeing all the signs. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you. तो गाइज हम लोग अपने डेस्टिनेशन के रास्ते में एक और जगह पे रुके हुए हैं, और यहाँ का भी नज़ारा बहुत ही खूबसूरत है, और यहाँ की धूप की पहली किरण निकल गई है। तो धूप की पहली किरण का आनंद लेने के लिए हम लोग भी अपने अपने गाड़ियों से बाहर निकल गए हैं, और मजा ले रहे हैं इन खूबसूरत वादियों का। तो चलिए आपको भी दिखाते हैं यहाँ की जो है मजा नहीं मजा ले रही है मजा किधर बोले मजा नहीं हम लोग एक्चुअली मजा नहीं मजा ले रहे हैं। तो चलिए आपको दिखाते हैं यहाँ की खूबसूरत वादियाँ। यहाँ पे हम लोग रुके हैं थोड़ा चाय पीने के लिए, और ये रिश्ते वाले जब आते तो ऐसे ही चाय लेके आया जाओ। चलिए बाटिए चाय सबसे, पहले पप्पा को चाय दे देते हैं।
गाइस हम लोगों का यहाँ पे टी वगैरह सारे लोगों का हो गया और सारी लेडीज हम लोगों ने पी लिया चाय। अब यहाँ से हम लोग की शुरुआत तो टी से शुरू हुई है और आज का शुरुआत तो देखते हैं आगे हम लोगों को क्या क्या मिलता है देखने को और क्या क्या मस्ती कर पाते हैं, क्योंकि जितनी चाय मैं पीती नहीं पूरा फुल कप मैंने चाय पिया, क्योंकि यहाँ इतनी ठंड है और ठंड में चाय पीना बहुत ज़रूरी है। तो फिलहाल अभी सारे लोग जो हैं देखो गाड़ी के पास हैं और अब हम लोग निकल चुके हैं। अब हम लोग निकलेंगे यहाँ से, आप कहाँ रुकी गाड़ी तो आगे अपडेट करते रहते हैं। और ये पहाड़ की चढ़ाई स्टार्ट हो गई है। हम लोग तो रिसेंटली दार्जिलिंग में गए थे तो हम लोग के लिए ये यूज टू है ये कंडीशन, लेकिन जो नए आते हैं उनके लिए बहुत डिफिकल्ट है। देखते हैं क्या होता है। अभी तो फिलहाल बहुत ही ज्यादा जो सीन सब है बहुत सीनिक है, बहुत ही अच्छा लग रहा है देखने में। तो गाइज ये देखिए हम लोग एक और खूबसूरत स्पॉट देख के रुके हुए हैं और यहाँ का सीन देखिए, वाओ जस्ट वाओ कितना खूबसूरत लग रहा है ये। वाओ मतलब लाइफ में ना अगर सच में जिंदगी जीना है तो लोगों को घूमना चाहिए, वरना समझिए कि आपका लाइफ जो है वो इनकम्प्लीट है। इतना खूबसूरत इतना ब्यूटीफुल नज़ारा क्या ही कहे, मजा आ गया। ऊपर चढ़ाई करने के बाद जो रोड अभी हम लोग को मिला है वो बहुत ही ज्यादा ऑफ रोडिंग है और बहुत जगह लैंडस्लाइड भी हुआ है। देख सकते हैं यहाँ पे किस तरीके का रोड है, तो दार्जिलिंग के जैसा बिल्कुल भी नहीं है, ये बहुत ही खतरनाक है। हाँ दार्जिलिंग की तरह स्टिफ रोड नहीं है लेकिन यहाँ बहुत जगह ऑफ रोडिंग है, बहुत जगह। गाइज कैसा रोड है यहाँ का गैंगटॉक का, और ये लैंडस्लाइड्स देखिए कितना जगह लैंडस्लाइड हो रखा है और बहुत ही ज्यादा हेवी ड्राइवर चाहिए इस रोड पे चलाने के लिए, बहुत ही मुश्किल हो रहा है अभी चलाने में। तो कैलिम्पोंग पहुंच चुके हैं, ये देख सकते हैं कैलिम्पोंग का जो बोर्ड लगा हुआ है वेलकम टू कैलिम्पोंग। अब हम लोग गैंगटॉक की तरफ बढ़ रहे हैं, फिर से यहाँ पे लैंडस्लाइड हो रखा है। थोड़ी दूर आगे बढ़ने के बाद हम लोग को फिर से लैंडस्लाइड मिल गया है, तो ये पूरा रास्ते में जो है ना कहीं आपको दिखते रहेगा, तो बहुत ध्यान पूर्वक हम लोग को चलाना पड़ रहा है। गाइस फिर एक जगह सीन देख के हम लोग रुके हुए हैं। लास्ट टाइम हम लोग के इस साइड में बह रही थी नदी, अब इस साइड आ गई है, दैट मीन्स कि हम लोग पहले उस पहाड़ से इस पहाड़ आए हैं। और यहाँ की खूबसूरती की क्या ही कहने हैं, बहुत सुंदर लग रहा है। देखिए तीनों गाड़ी हमारी एक लाइन से सारे लग चुकी है और यहाँ पे हम खड़े होके मजा ले रहे हैं इस नदी का। वाओ एकदम कहो ना प्यार है वाला सीन लग रहा है, जहाँ पे ऋतिक रोशन और अमीषा पटेल खो गए थे ना, वो वाला सीन टाइप्स लग रहा है। Life lessons come one in a dozen, the other 11 get something from nothing. I sit here looking for an answer, maybe the biggest question was in the last chapter. You gave me the soul. गाइज यहाँ पे देखिए हेलो रुके थे तो फिर अब हम लोग यहाँ पे करने वाले हैं चूड़ा का नाश्ता। एकदम पता लग नहीं रहा है कि घर में भुंजा हुआ मार्केट टाइप लग रहा है, ये हम लोगों ने घर पे बनाया है और इसको खा के ना आप हो जाओगे बल्ले बल्ले, है ना पापा? लेकिन होटल में इतना नहीं बनाते, मतलब पैकेट में जो नहीं देता है लाइए तो हम सबको सर्व कर देते हैं। लीजिए जल्दी 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 जल्दी, अरे मंगवाए हो आप लोग अभी अभी ले नहीं रहे हो, लीजिए। आंटी खाइए ना, कोई दिक्कत नहीं है, सबको खा रहे हैं लोग, लीजिए रोहन जी। जय श्री राम का नाम लेके अंकल खा लीजिए, जय श्री राम, लीजिए खाइए खाइए आराम से खाइए मामा जी, जय श्री राम, थैंक यू। को सब खा रहा है आंटी, खा लीजिए मामी आप खाइए, ले लो सक्षम। Without you I never could have moved away, but now I seek what you teach, I do believe I always should have stayed. तो गाइज ये देखिए ये शायद क्रिकेट स्टेडियम है,
और कितना सुंदर नज़ारा लग रहा है यहाँ से, देखिए पहाड़ के बीच में क्रिकेट स्टेडियम। वाह बहुत ही खूबसूरत लग रहा है, ये पता नहीं क्रिकेट स्टेडियम है या कुछ है, बट ये स्टेडियम जैसा ही दिख रहा है। तो गाइज हम लोगों को जहाँ पे आना था वहाँ हम लोग आ चुके हैं, और अभी भी हम लोगों ने आपको नहीं बताया कि हम लोग किस जगह आए हैं। तो हम लोग जब होटल रूम में शिफ्ट हो जाएंगे तब आपको बताएंगे कि हम लोग किस जगह पे आए हैं। और काफ़ी दिक्कत हुई यहाँ पे पार्क करने में, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुआ है, फिर फाइनली जाके कार पार्क हुआ हमारा। और ये लोग सारे लोग गए हैं होटल ढूंढने के लिए, जब तक ये लोग होटल ढूंढ के आएंगे तब तक हम लोग यहीं पे वेट करेंगे इसी पार्किंग एरिया में, फिर उसके बाद यहाँ से हम लोग सारे लोग जाएंगे होटल। तो जब हम लोग होटल शिफ्ट हो जाएंगे तो फिर आपको एग्जैक्टली रिवील करेंगे कि हम लोग किस जगह पे आए हैं, तब तक आप लोग वेट कीजिए। फाइनली गाइज हम लोग आ गए अपने होटल में, ठीक है, और जहाँ पे हम लोग स्टे किए हैं वो आपको जरूर दिखाएंगे। एटलीस्ट हम लोग को 2 घंटे के बाद रूम मिल गया और हम लोग अपने अपने रूम में आ गए हैं। और यहाँ पे देखो आते ही हम लोग जो है एकदम इतनी जोर से भूख लगी है कि यहाँ पे श्रुति देखो इडली खा रहे हैं, यहाँ पे श्रुति इडली खा रही है, आयांश यहाँ पे पनीर रोटी खा रहा है, और यहाँ पे सारी देखो इडली बची हुई है क्योंकि कल जो हम लोग लाए थे ना इडली, यहाँ पे सांभर है तो इन लोग के लिए छोड़ दिया, और मेरी प्लेट यहाँ पे लगी हुई है तो देखो मैं भी खा रही हूँ। तो शाम के बच्चों का कितना श्रुति, तो गाइस शाम के बज चुके हैं यहाँ पर अभी 6 और हम लोग सब हो चुके हैं रेडी, और रेडी होने के बाद अब हम लोग निकल रहे हैं। देखो आना फिर भी खांस रही है, और अयांश भी देखो पूरा पैक कर दिया गया है, अयांश को भी ऊपर से नीचे तक, और आहना को भी, आहना का अपना म्यूजिक शुरू है। और पापा यहाँ पर थोड़ा रेस्ट करेंगे क्योंकि बाहर बहुत ठंड है, तो पापा को ले जाना सही नहीं होगा। पापा अगर ठंड लगे तो ये वाला ले लीजिएगा, दे वाला सारे लोग देखो जा रहे हैं, और चलो बेटे अयांश का मूड थोड़ा ऑफ है, तो सारे लोग देखो जा रहे हैं, निकल पड़े हैं हम लोग की टीम जो है वो निकल पड़ी है। तो गाइज हम पहुंच चुके हैं MG मार्ग रोड में न्यू ईयर सेलिब्रेट करने के लिए, क्योंकि आज है 1 जनवरी, और आज का 1 जनवरी फर्स्ट डे ऑफ द ईयर हम लोग सेलिब्रेट करेंगे MG मार्ग गैंगटॉक में। तो गाइज हम लोगों ने आपको ये भी नहीं बताया था कि हम लोग कहाँ आए हैं, तो फाइनली हम लोगों ने बता दिया, फाइनली बताया जाए कि हम लोग कहाँ आए हैं घूमने। ऐसे आपको MG मार्ग रोड देख के तो समझ में आ ही गया होगा कि हम लोग कहाँ आए हैं, बट फिर भी खुद से बोल देते हैं। तो हम लोग आए हैं घूमने के लिए गैंगटॉक में हम लोग आ चुके हैं यहाँ का आनंद लेने के लिए। और यहाँ पे जो सबसे पहले ये जो आपको मैं सबसे पहले जो दिखलाने वाली हूँ उसको देखिएगा, हम लोग को भी देख के बहुत खुशी हुआ, तो दिखाया जाए। अच्छा क्रिसमस ट्री तो वो दिखाते हैं। और गाइज एक चीज और हम कहना चाहेंगे कि हम लोग फर्स्ट डे मना रहे हैं 2024 का गैंगटॉक में MG मार्ग रोड में, तो बहुत ही अच्छा लग रहा है, बहुत ही एक अच्छा वाइब आ रहा है, बहुत मजा आ रहा है। तो अब आप लोग भी एंजॉय कीजिए हमारे साथ MG रोड में, रोड का एंजॉय लीजिए, मजा लीजिए, एक से एक बहुत ब्यूटीफुल प्लेस है यहाँ पर। और ये तो आज बोलेंगे ब्यूटीफुल लड़की अब हम लोग सामने तो कौन ब्यूटीफुल है, तो है ब्यूटीफुल है ऐसा बात नहीं, लेकिन जहाँ हम लोग हो तो अपने आप को ही बोलेंगे ना, पहले अपने आप को बोलते हैं। तो फिलहाल टाटा। एकदम देख रही है बहुत अच्छे से, श्रुति अच्छे से देखो और पूछो को क्या प्राइस है, तो ये देखो ये कोट है और इसका जो प्राइस है, इसका जो प्राइस है वो 3000 है। 3000 ओ माय गॉड, श्रुति और पूछो जाके, अरे यार तू जा तो पूछ बोल, अरे तुमको पूछना चाहिए ना, तुम शॉपिंग करने आई हो तो फिर तुम। तो गाइस हम लोगों ने जो एक दो दुकान देखे हैं उसके
उसके हिसाब से हम लोग को ऐसा लग रहा है कि इससे बेटर हम लोगों को देवघर में ही मिल जाएंगे क्योंकि यहाँ पर अपना शहर है यार, तो कुछ भी प्रॉब्लम होगा तो वहाँ रिटर्न भी कर सकते हैं। यहाँ बहुत प्राइस का भी है, बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है, बहुत ज्यादा। यहाँ पे आके आदमी इतने पैसे खर्च करेंगे फिर वहीं पे हम खरीद लेंगे ना, एक से एक मिल जाएगा, ऐसा बात नहीं है, एक से एक मिलता है वहाँ पर भी। तो जितना यहाँ पर है वहाँ पे तो हम लोग को डिस्काउंट भी मिल जाएगा बहुत अच्छे खासे। और अभी तक तो कुछ ऐसा लगा नहीं, लेकिन कलर कलेक्शन बहुत अच्छा है, देखते अगर कुछ ऐसा कुछ पसंद आया तो जरूर लेंगे। गाइस हमारे यहाँ बाटा जो है हमारे देवघर में भी है, बाटा पे 50% सेल चल रहा है। अंदर चलते हैं और देखते हैं कि यहाँ पर कैसा कॉस्ट है। ठीक है चलिए। तो गाइस श्रुति थोड़ी कंफ्यूज है, इतने बड़े बड़े पैर होते हैं क्या? ठीक है 3600 प्राइस क्या है ये सैंडल? और 3600 8000 ये 800 का है, ये फिर भी ठीक 8000 डिस्काउंट यार तुझे 8000 के जूते ना तेरे मार पड़ेंगे तेरे को। देखो बंदी जो है ना, देखो 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 वो बिक्की को पूरा लपेटा में मार रही है, लेकिन बिक्की जो लपेटा में आएगा नहीं, वो लपेटा में आने वाला नहीं है, कितना कुछ कर ले। आना का जब टोपी पहना है ना तो उसका मुंडी छोटा सा है, आ किधर से चिंग चू। एक्चुअली बात ये है कि अभी हम लोग यहाँ पे एक अग्रवाल स्वीट्स एंड स्नैक्स का एक शॉप है, बहुत ही फेमस है। अच्छा। गैंगटॉक में, तो अभी हम लोग वहाँ पे जाएंगे। जो यहाँ का जो सबसे फेमस डिश है जो मैंने यूट्यूब पे देखा था वो जाके ट्राई करेंगे, सच में कितना टेस्टी है। ठीक है तो चलते हैं। बिकी गए हैं अंदर में वही स्वीट्स ऑर्डर करने के लिए जो अभी बता रहे थे थोड़ी देर पहले। तो देखो वो अंदर गए हैं और अंदर जाकर वो लेके आते हैं और हम लोग देखते हैं कि क्या है वो। ठीक है तो वो अंदर प्रवेश करते हैं, फिलहाल दुकान कुछ ऐसा है। तो गाइस देखो आना को ना हम लोग बहुत कोशिश कर रहे हैं फोटो खिंचवाने का, लेकिन आना का कुछ नहीं है। देखिए आना कैसे जंप करेगी बाबी के ऊपर, जंप करवाई तो उसका कितना देर 10 मिनट लगेगा। आंटी चाट में क्या आप रिव्यू दीजिएगा, कैसा है ये मोमोज चाट है ना? है ना, ये थोड़ा अलग है मोमोज चाट। अरे ये फीलिंग है इसका, मोमोज वाला फीलिंग है। तो गाइस फिलहाल मैं भी खा लेती हूँ, बहुत भूख लगी है। बताना चाहूंगी कि ये जो चाट हम लोग खा रहे हैं, तो ये गाइस जो चाट हम लोग खा रहे हैं ये 120 चाट है यार। अपने देवघर में ना तो इसको 3-4 बार खा लूं जैसा टेस्ट, और उसके जैसा टेस्ट भी चाट का बताऊँ तो चटपटा, वो मैं टेस्टी बनाना चाहिए एकदम चट्टा मिट्टा का। या तो मोमोज फिलिंग करके डाल दिया, लेकिन सब अपने अपना देश का चाट है जैसे बना दे, खैर अच्छा है, सो है। तो यहाँ क्या खा ले हो? ये तो गाइस हम लोग आ गए हैं रूम में, और रूम में आके हम लोगों ने चेंज कर लिया है, और हम लोगों ने अपने साथ लेके आया है मोमोज। वह हम लोग नहीं खाए थे अच्छे से, इसलिए मोमोज यहाँ पे ले आया है, और अभी यहाँ पे हम लोग खाने वाले हैं मोमोज। तब तक हमारा डिनर भी ये लोग लेके आ जाएंगे, ऑर्डर हो गया है, फिर डिनर आएगा तो दिखाएंगे। फिलहाल आपको दिखाते हैं कि मोमोज यहाँ का कैसा है। तो देखिए गाइस भाभी जो है मोमोज निकाल रही है, लेकिन हमारे तरफ में दो दो चटनी मिलता है। हाँ इधर एक ही चटनी दिया, ग्रीन चटनी दिया है, इतना सारा, बहुत सारा मोमोज है। हाँ ये टेंशन है, चटनी कम है। तो गाइस भाभी स्टार्ट कर दिए खाना, खा के बताइए कैसे हैं। अच्छा मैं बताऊँ कैसा? चिकन मोमोज है। मैं बताऊँ कैसा? कैसा? बहुत टेस्टी थे। चाट तो बहुत ही बेकार था, हमको बिल्कुल अच्छा नहीं लगा चाट एकदम नहीं। जल्दी से हम भी खाते हैं मोमोज, देखते हैं कैसा, हमको भूख भी बहुत तेज लगा हुआ है। चलो खाने, जब रात हो गई काफी और हम लोग काफी थके हुए हैं, तो अब हम लोग जा रहे हैं अपने ब्लॉग को यहीं पे एंड करने के लिए। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा आज का ब्लॉग बहुत अच्छा लगा होगा। तो गाइस फिर से अगेन हम लोग बोलते हैं हैप्पी न्यू ईयर 2000, आप सब का मंगलमय हो, मनोकामना पूर्ण हो।
तो गाइज अब चले हम लोग सोने के लिए, तब तक के लिए आप सब्सक्राइब करना, लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलिएगा, हमें अपना प्यार देते रहिए, हम फिर आपसे कल मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, जय हिंद।